you go home. Hi everyone, कैसे हैं आप सब लोग? Welcome back to my channel. एंड वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को एक काम करना है, और काम ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे नए नहीं हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए. लव लिप बाम्स, एंड मैं बहुत बड़ी फैन हूँ लिप बाम्स की. मेरा मन करता है कि जो भी मार्केट में अच्छे ब्रांड्स मेरे को नजर आए सारे लिप बाम मेरे पास आ जाए. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. ज्यादा पक 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 करे बिना तो अब मैं बात करूंगी अपने लिप बाम्स की, और ये मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे लिप बाम्स है उसके साथ साथ मैं शेयर करूंगी कि मुझे क्या लगता है उस लिप बाम के बारे में, मुझे वो कैसे हेल्प करता है, ताकि आप लोग भी डिसाइड कर सकें कि आपको वो लिप बाम लेनी चाहिए इन फ्यूचर, या अभी आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको वो अपनी लिस्ट में ऐड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे लिप बाम्स के बारे में बातें करना. तो ये मैंने अभी फिलहाल अपने नायका के बॉक्स में डाले हुए हैं. ये मेरे सारे लिप बाम्स हैं. इसमें बहुत सारे लिप बाम्स हैं जो टिंटेड भी हैं, जो कुछ सिर्फ और सिर्फ नरिशमेंट के लिए है. सबसे पहले आते हैं ये तीन क्यूट से लिप बाम. मेरे को ना लिप बाम जो यूजफुल होते हैं उसके साथ साथ मेरा मन करता है कि वो देखने में भी बहुत क्यूट क्यूट हो. तो आपको ये दिख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे से हैं, एकदम ऐसा लगता है कि कैंडीज हैं, बट ये लिप बाम्स हैं. ये लिप बाम्स हैं बॉडी शॉप से, द बॉडी शॉप. एंड ये थोड़े टिंटेड हो. मेरे लिप बाम्स की ज़्यादातर खासियत ये होती है कि ये केमिकल फ्री होते हैं, तो मेरे सारे लिप बाम्स के इंग्रेडिएंट ज़्यादातर नेचुरल होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर रहना पसंद करती हूँ केमिकल्स वगैरह से जब मेरे फेस की बात आती है उस केस में. तो ये वाले लिप बाम्स जो हैं ये टिंटेड होते हैं. तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये वाले लिप बाम लेना चाहते हैं तो ये तभी लें जब आप ये चाहते हैं कि लिप्स पे थोड़ा शेड रहे, क्योंकि ये टिंटेड है. और ये रात में नहीं, सोने से पहले नहीं, अगर आप इसको दिन में लगाएं छोटी मोटी कहीं जगह जा रहे हैं अगर आप, और लिपस्टिक नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वाले लिप बाम्स बेस्ट हैं. ये लिप बाम्स अंदर से देखने में कुछ ऐसे लगते हैं. ये थोड़ा ज़्यादा है तो आपको इसे समझ में आएगा, थोड़ा सा एक कोन वाली शेप में होते हैं, क्योंकि मैंने कम यूज़ किया तो इसे आपको समझ में आ रहा होगा. और ये वाला तो शायद मैं ऑलमोस्ट खा ही गई हूँ, बट अभी भी इसमें बहुत सारा है. तो ये बेस्ट पार्ट है कि आप थोड़ा सा स्पेंड करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी के लिप बाम्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये चलेंगे भी बहुत टाइम तक. तो मेरे लिप बाम्स में ये भी एक खासियत रहती है कि वो चाहे कितने भी महंगे हों बट वो चलते बहुत लंबे टाइम. लिप बाम ये है लनेज का, एंड ये लिप स्लीपिंग मास्क है. रात में अगर आप इसको लगा कर सोएंगे तो सुबह सुबह आपको एकदम नरिश्ड एकदम सॉफ्ट लिप्स मिलेंगे. अगर आपके चैप्ड लिप्स हैं तो आप इसको लीजिए और भूल जाइए कि आपके कभी चैप्ड लिप्स थे भी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ये फील करने में थोड़ा स्टिकी ज़रूर है, लेकिन ये बहुत अच्छे से लिप्स को नरिश करता है. अगर आपके लिप्स फटे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा कट है, तो ये उसको ज़रूर हील करेगा. और सुबह आप जब उठेंगे तो सॉफ्ट लिप्स के साथ साथ आपको एक प्लम्प प्लम्प लिप्स भी फील होंगे. तो ये वाला लिप बाम मुझे बहुत पसंद है. कभी कभी मैं रात में इसको लगा कर सोती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, तो इसकी भी टर्न आती है, और ये अंदर से देखने में कुछ ऐसा लगता है. हालांकि ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी ज़रूर होता है, बट उससे कोई इश्यू नहीं है, ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है. ये थोड़ा सा प्राइस में हाई है, लेकिन ये वर्थ करता है. तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लिप्स की केयर के लिए कुछ सोच रहे हैं, जिससे कि आपके लिप्स की पिगमेंटेशन हटे, या फिर जो चैप्ड लिप्स होते हैं आप उससे फ्री हो पाएँ, तो आपके लिए ये वाला लिप बाम बेस्ट है, क्योंकि ये लिप स्लीपिंग मास्क है. इसको आपको रात में लगाना है, और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब सुबह उठें तो थोड़ा सा इसको पहले रब कर लें अपने फिंगर्स से, उसके बाद फेस को वॉश कीजिए एंड जस्ट सी द डिफरेंस कि ये कितना इफेक्टिव है. ये वाला लिप बाम जो नेक्स्ट मेरे लिप बाम्स हैं, ये हैं मेबलिन के. आई थिंक ऑलमोस्ट हम सब ने ये वाले लिप बाम्स यूज़ करे हैं जब हम लोग कॉलेज में थे, स्कूल में थे, इसलिए मैं अभी भी अपने पास रखती हूँ. मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, क्योंकि एक तो इसका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेबी लिप्स. ये अपने नेम से ही मुझे बहुत अट्रैक्ट कर देता है, बेबी लिप्स. एंड दिस शेड, जो शेड आपको इस पे दिख रहा है, ऐसा ही कुछ शेड ये देता है. इसका फायदा ये है, जैसे कि और लिप्स हैं उसमें यू हैव टू डिग योर फिंगर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप इसको ऐसे खोलें एंड लगा लें, क्योंकि जब फिंगर्स क्लीन होंगी तभी आप उस जार में अपनी फिंगर्स को डाल पाओगे एंड देन ही आपको यूज करना चाहिए. लेकिन इसमें एंड ये जो मेबलिन के लिप बाम्स हैं,
इसमें ऐसी कोई नीड नहीं है, आपको जस्ट ये खोलने हैं क्योंकि ये स्टिक के फॉर्म में होते हैं एंड यूज करने हैं और ये टिंटेड होते हैं। अगेन ये वही ऑप्शन है कि अगर आप लिपस्टिक नहीं वेयर करना चाह रहे हैं तो आप इसको लगाकर बाहर जा सकते हैं छोटी मोटी जगह। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, मैंने कभी कभी कुछ कुछ स्पेशल जगह पे भी सिर्फ लिप बाम्स को यूज किया, हमेशा मन नहीं करता है लिप कलर लगाने का, राइट? आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब फिर से आता है बॉडी शॉप का लिप बाम। ये वाला लिप बाम लेने का सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है द बॉडी शॉप बॉन लिपी। ये अगेन इसका रीजन ये है कि ये इतना देखने में क्यूट है, देन ये बॉडी शॉप का है, बहुत ही कम इसमें केमिकल्स हैं या शायद नहीं है, मतलब जो मैंने सुना है, तो इसलिए मैंने इसको लिया था। ये आपको जो शेड दिख रहा है इसी शेड के लिप्स हो जाते हैं इसको लगाने के बाद। इसका थोड़ा सा इश्यू ये है, बहुत लोगों को ना स्टिकी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आते हैं, थोड़ा सा स्टिकी साइड पे है, बट ये अच्छा बहुत है। इसको लगाने के बाद आपको ना बड़ा ग्लॉसी इफेक्ट आता है, तो आप इस केस में मैं ये करती हूँ कि मैं पहले नॉर्मल टिंटेड लगाती हूँ जो मेरे को लिप बाम लगाना होता है, लाइक जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसको लगा लूंगी तो थोड़ा सा ना एक ग्लॉसी टच आता है लिप्स का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे ये वाला लिप बाम भी बॉडी शॉप का बहुत पसंद है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप केयर के साथ साथ थोड़ा सा ग्लॉस भी ला पाए तो आप ये वाला लिप बाम भी ले सकते हैं। इसके नीचे आप लगाइए थोड़ा सा टिंटेड लिप बाम एंड इसको लगा लीजिए, और आप खाली भी इसको लगा सकते हैं तो एक अलग से नेचुरल शेड जो होता है हमारे लिप्स का, उसके ऊपर जो ग्लॉसी इफेक्ट आता है वो अलग ही लुक देता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला लिप बाम भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मुझे भी पसंद है, आपको भी अच्छा ही लगेगा। अब आते हैं मेरे फेवरेट लिप बाम पे, जो मेरे फेवरेट ब्रांड का है, विच इज कामा। ये वाला लिप बाम, दिस इज कामा एंड ये है रोज लिप केयर मेड विद ऑर्गेनिक बीज वैक्स। तो अगेन ऑर्गेनिक, नेचुरल, ये सब वर्ड्स ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं जब भी मैं कुछ भी स्किन केयर का या फिर कुछ भी सोचती हूँ। इनफैक्ट अगर मैं मेकअप का भी सोचती हूँ तो उसमें मेरे को बहुत मन करता है कि कुछ कुछ बहुत नेचुरल मिले। बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो ऑर्गेनिक मेकअप सेल करने लग गए हैं, उसके बारे में भी हम किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। ये मैंने खोला भी नहीं है क्योंकि मेरा पहले वाला जार खत्म हो गया था, ये मैंने जस्ट ऑर्डर किया है, और तो पहले इसको खोल लेते हैं। दिस इज कामा, वेरी वेरी गुड ब्रांड, माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये मतलब मुझे बेस्ट लगता है वैसे, बट एक दो ब्रांड्स और हैं जो मैं कंसिडर कर पाती हूँ, बट ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये बिल्कुल न्यू बॉटल है, तो इसकी फर्स्ट वाली लेयर भी नहीं हटी है, अब हट गई है, सॉरी बॉटल नहीं, ये जार है, या फिर इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है, ये बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी। मेरे लिप बाम्स की भी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आती है जिसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है, नेचुरल वाली फ्रेग्रेंस होती है ना वो अमेजिंग होती है। अगर आप इसको स्निफ करेंगे तो आपको एकदम रोज वाली फ्रेग्रेंस आएगी, ऐसा लगेगा कि आपने बस हाथ में एक रोज ही पकड़ा हुआ है। गुलाबों की खुशबू वाला ये लिप बाम होता है। जो लिप बाम टिंटेड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग वो बॉयज के लिए भी है, सब कुछ नहीं है कि लिप बाम सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं। अगर हम स्क्रीन पे किसी को देखते हैं एक्टर्स को, उन सभी ने थोड़ा थोड़ा यू नो अपने लिप्स पर कोई कलर लगाया होता है, तो अगर हम उस पर देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई बॉय सोचता है तो ज़्यादातर बॉयज़ को ये लगता है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेकअप बॉयज़ के लिए भी होता है, एंड दिस इज़ नॉट मेकअप, दिस इज़ फॉर लिप केयर एंड नरिशमेंट। आई मीन जो भी मैं लिप बाम्स आपको दिखा रही हूँ इसमें स्पेशली कलर नहीं है, वो ऑफकोर्स बॉयज़ के लिए भी है, तो आप ये बिना किसी हेजिटेशन के खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि केयर तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। तो यस, हम इस लिप बाम के बारे में बात कर रहे थे, मेरा फेवरेट है। अगर आपको प्योर नेचुरल एकदम अच्छी सी फीलिंग चाहिए अपने लिप्स के लिए, बहुत अच्छी केयर चाहिए, और आप थोड़ा सा प्राइस में आगे बढ़ सकते हैं, तो दिस लिप बाम इज बेस्ट फॉर यू, क्योंकि ये बस इतना अमेजिंग है कि आप जब इसे यूज़ करेंगे तभी शायद समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कितने अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं। आपको सेकेंड थर्ड डे से इफेक्ट नज़र आने लग जाएगा कि किस तरीके से लिप्स को नरिश करता है, एंड एक नेचुरली
जो हमारे लिप्स का पिंक शेड होता है उसको लाने में बहुत हेल्प करता है मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि ये क्लेम नहीं करता है बट ये मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है, तो आप ये वाला लिप बाम जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो कामा के साथ साथ जो मैं आपसे बोल रही थी कि एक दो ब्रांड्स और हैं, तो उसमें एक ये फॉरेस्ट एसेंशियल्स भी आता है। इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अमेजिंग है, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, नो केमिकल्स नथिंग। तो इनकी न्यू रेंज अभी लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुई थी लिप बाम्स की, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लिपस्टिक्स हैं बट एक्चुअली में लिप बाम है, और ये इतने नेचुरल हैं कि चाहे आप इसको लगा के सो जाओ। और इसमें ऑफकोर्स ये कलर्स भी हैं, ये टिंटेड भी है, इसमें कलर भी आता है। ये मेरे पास दो हैं, अनार रस है क्योंकि वो पोमेग्रेनेट से बना हुआ है, और एक दूसरा वाला आई थिंक रोज से बना हुआ है, गुलाब से बना हुआ है, तो उसी टाइप के इसके शेड्स हैं। ये बिल्कुल न्यू है अभी क्योंकि मैं एक बिल्कुल फिनिश कर चुकी हूँ, फिर मैंने इसको ऑर्डर किया था। ये आप देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि लिपस्टिक है बट एक्चुअली ये प्रॉपर प्योर केयर है आपके लिप्स के लिए, वो भी कलर के साथ। तो आप इसको बिना हेजिटेशन के आराम से पूरा दिन लगाकर घूम सकते हैं, आप रात में सो भी सकती हैं इसको लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये वाला दूसरा शेड है और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आपके साथ में भी जो बैठा होगा ना उसको भी ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से फूलों की खुशबू आने लग गई है। दूसरा वाला कलर थोड़ा सा ऑरेंज साइड पे है, ये भी बहुत अमेजिंग है। तो एक थोड़ा सा रेड वाला है फॉरेस्ट एसेंशियल्स का, एंड एक ऑरेंज वाला है, एंड इसका नेम है फॉरेस्ट एसेंशियल्स मधुर रस, एंड फ्लेवर है इसमें एक अनार रस है एंड एक रोज वाला कुछ। फॉरेस्ट एसेंशियल्स का भी लिप बाम मैंने न्यू ऑर्डर किया है, ये मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया था। ये टेंटेड नहीं है, एक तो ये इतना क्यूट है, जस्ट लुक एट द पैकिंग, ये इतना प्यारे से पैकेजिंग में आता है एंड बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। ये भी रोज वाला है इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया, इसका मेरे को अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये न्यू है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है जो गर्ल्स को बहुत पसंद आने वाला है, वो ये है कि इसमें छोटू सा मिरर भी आता है, तो आप ये लगाते वक्त अपने आप को भी देख सकती हैं। मैंने इसको अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया है लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देने वाला है। ये भी एक बहुत अच्छा लिप बाम है अगर आप अगेन केयर के लिए सोच रहे हैं, जिसको आप रात में लगा के सोना चाहते हो, और जो कलर फ्री है जिसमें कोई टिंट नहीं है, ओनली एंड ओनली नरिशमेंट केयर एंड लव फॉर योर लिप्स, तो आप इसको ऑफकोर्स कामा के साथ साथ कंसिडर कर सकते हैं। अब आता है द जूसी केमिस्ट्री, सॉरी नॉट द जूसी केमिस्ट्री का ब्लड ऑरेंज एंड रोज हिप ऑर्गेनिक लिप बाम। ये ऑर्गेनिक है इसलिए मेरे पास है, और ये इसकी रेंज काफी कम है, और अगर आप थोड़ा कम रेंज में देखना चाहते हैं अपने लिप्स की केयर, लिप्स के लिए प्यार और नरिशमेंट, तो आप इस लिप बाम को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रीमी क्रीमी टेक्सचर में आता है, आप इसको रात में लगा के सोइए एंड सुबह बड़े अमेजिंग से लिप्स के साथ आप उठने वाले हो। अगेन आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, ये बॉयज के लिए भी हो सकता है और कोई भी लगा सकता है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, ये इतनी अच्छी केयर देगा आपके लिप्स को कि आपको नेक्स्ट डे से ही इफेक्ट नजर आएगा किस तरीके से आपके लिप्स एकदम सॉफ्ट फील करने वाले हैं। और इसकी फ्रेग्रेंस अमेजिंग, ऐसा लगता है कि एकदम इसके अंदर ऑरेंजेस भरे हुए हैं। इसका प्राइस काफी कम है लेकिन ये पूरा जार में इतना भरा हुआ आता है कि आप इसको बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। आई थिंक मुझे ही यूज करते हुए इसको बहुत टाइम हो गया है, हालांकि मैं स्विच करती रहती हूँ रोज, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, बट स्टिल इसको बहुत टाइम हो गया है। ये इतना थोड़ा सा लेना पड़ता है और अच्छे से आपके लिप्स पे स्प्रेड होता है और ये काफी टाइम तक चलता है। तो अगर आप थोड़ा सा बजट का ध्यान रखना चाहते हैं तो ये वाला लिप बाम आपके लिए द बेस्ट है, इसको आप जरूर लीजिए, अपने लिप्स को वही प्यारी सी केयर, प्यारा सा नरिशमेंट इस वाले लिप बाम से आराम से दे सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक दे सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटी सी बॉटल में जो कि बहुत ही क्यूट सी टिन आती है, बहुत क्यूट सा जा रहा है ये, इसमें आता बहुत सारा है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। ये वाले लिप बाम्स मेरे पास कम से कम 5-6 थे जो मैंने लंदन से लिए थे। ये है टैंगी सिट्रस लिप बाम और ये ऑर्गेनिक लिप बाम है। मेरे पास कम से कम 5-6 थे, फाइनली मेरे पास एक बचा है, अब जब भी मेरा नेक्स्ट आना होगा मैं जरूर लूंगी। ये स्टिक वाली फॉर्म में आते हैं और ये ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन ये खत्म होते होते भी
इसमें इतना सारा है कि अगर मैं इसको रोज भी लगाऊंगी तो मैं कम से कम 25-30 डेज आराम से यूज कर सकती हूँ। तो मेरे को लगता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होगा, बट ये वाला लिप बाम भी अमेजिंग है। क्योंकि ये लिप बाम ये भी मैंने यूके से लिया था बट ये यहाँ पर अब मेरे को दिखने लग गया है, शायद मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा। ये है निविया लिप बटर, ये लिप बाम भी इतना अमेजिंग है, फ्रेग्रेंस सो अमेजिंग, एंड अगेन फॉर ऑल द लव केयर नरिशमेंट फॉर योर लिप्स, क्योंकि ये इतने अच्छे से नरिश करता है आपके लिप्स को कि आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा सुनते हैं ना कि किचन में से ही चीजें लो और लगाओ अपने लिप्स पे, स्किन पे, हेयर पे, जिसमें लिप्स पर सबसे ज्यादा टॉपर लिस्ट में होता है कि बटर लगाओ, घी लगाओ, तो ट्रस्ट मी ये वही लिप बटर है। अगर आप घर वाला बटर नहीं लगाना चाह रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाता है, तो ये वाला लिप बटर इज द बेस्ट वन कि आप इसको ले लीजिए एंड वो किचन वाला घी एंड मक्खन भूल जाइए, वो वाला सब मेसीनेस आपको नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी और ये आपको वही प्यारी सी केयर देगा, अच्छे से लिप्स को नरिश करेगा। इसको लगाने के टाइम पे आपको लिप्स पे कुछ कुछ फील होगा कि मतलब थोड़ा सा एक अलग सा शेड आता है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, बट अगर आप घर पे हैं और आप इसको रात में लगा के सो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको दिन में नहीं लगा पाएंगे या फिर आपको दिन में इसको थोड़ा नीचे लगा के अच्छे से रब करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन खाली अगर आप ये लगाना चाह रहे हैं तो नाइट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई दिस वन। तो ये लिप बाम्स वो हैं जो मैं खुद यूज करती हूँ और मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनके रिव्यूज दिए हैं। सो आई रियली होप कि मेरी इस वीडियो ने आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प जरूर करी होगी अगर आप प्लान कर रहे हैं लिप बाम लेने का। और मैंने आई थिंक हर रेंज का लिप बाम अपने पास दिखा दिया है, आप जो भी चाहे उसमें से चूज कर सकते हैं। और जो भी मैंने बताया है इन लिप बाम्स के बारे में वो बताया जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो आई थिंक आप लोग जरूर डिसाइड कर सकते हो वीडियो देखने के बाद कि आपको ये वाले लिप बाम में से कोई लिप बाम लेना है या नहीं लेना है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए आगे ताकि और लोग भी सब्सक्राइब कर सके, एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक आप लोग खूब सारे मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय, टेक केयर। Oh, 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 o